अच्छा भाई, फर्स्ट एड टू, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाल चाल है आप लोग? ठीक ठाक हैं? बारिश शुरू हो गई है अचानक से। अच्छा भाई, कल के लेक्चर में आप, अच्छा सबसे पहले आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है, दो सवालों के जवाब दे दें आप। उसके बाद कल के लेक्चर में कुछ पूछना है तो पूछ लें, ताकि हम 1 से 2 मिनट में क्लासेस आगे बढ़ाएं। और जब तक और भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश की, शायद इक्का दुक्का लोग अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा भाई, तो कल जो हमने लेक्चर एंड किया था, वो प्रेशर की हेडिंग लेक्चर हमने एंड किया था, और इसको लिखा नहीं था, जो मुझे याद पड़ रहा है, पढ़ लिया था, लिखा नहीं था, ऐसे ही था। चैट बॉक्स में कंफर्म करें, ऐसे ही था कि हमने इसको पढ़ लिया था लेकिन लिखा नहीं था। चलें जी, तो मैं आपको इसको, इसका रिविजन दे देता हूँ। तो मैंने ये पढ़ाया था आपको कि काइनेटिक मॉलिक्यूल, अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन एक साथ पढ़ाई थी इसमें ना, अगर आपको याद हो तो। उसमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन एक ही साथ है। डेफिनेशन ये है कि भाई गैस डिफ्यूज करती है, डिफ्यूज करती है तो कोलाइड करती है, कोलाइड करती है तो फोर्स लगाती है, यानी कि प्रेशर लगाती है। अब अगर कोई डिफ्यूजन से इनकार कर देगा तो वो कोलिजन से इनकार करेगा, कोलिजन से इनकार करेगा तो वो प्रेशर से इनकार करेगा। लेकिन अगर कोई मानता है कि गैस फैलती है, डिफ्यूज करती है, खुद से चलती है, तो उसको मानना पड़ेगा कि रास्ते में चीजें आएंगी, उसको मानना पड़ेगा कि वो उन चीजों से टकराएगी, और टकरा के वो अपनी हैसियत के लिहाज से उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स यानी के प्रेशर लगाएगी। ठीक बात हो गई? अच्छा, फिर हमने इसकी वजह पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन। वजह हमने ये पढ़ी थी कि गैस में होते हैं मॉलिक्यूल, सबको पता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता हो गया। फिर हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं, कल का लेक्चर है सारा। फिर हमने पढ़ा फ्री मोशन की वजह से वो टकराते हैं, और टकराने की वजह से वो फोर्स यानी कि प्रेशर लगाते हैं, कल पढ़ा। अब हमारा टॉपिक ये कहता है कि गैस किससे बनती है, मॉलिक्यूल से। तो जितने मॉलिक्यूल हैं सब अपने अपने से का प्रेशर लगाते हैं, ठीक है भाई? जितने मॉलिक्यूल हैं सब अपने अपने से का प्रेशर लगाते हैं, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये लगाएगा प्रेशर, वो नहीं लगाएगा, वो लगाएगा ये नहीं लगाएगा, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबने प्रेशर लगाना है अपने अपने हैसियत के लिहाज से। तो हमारा टॉपिक ये बोलता है कि तमाम मॉलिक्यूल का जो कलेक्टिव प्रेशर है, वो प्रेशर है तो मॉलिक्यूल का, पर वो कहलाता किसका, गैस का। कल मैंने इसकी कई एग्जाम्पल दी थी, क्रिकेट टीम की दी थी, और सोल्जर्स की दी थी, क्लासरूम की दी थी, कई एग्जाम्पल देकर मैंने ये साबित किया था कि बिहेवियर है किसी और का पर कहलाता किसी और का है। तो यहां पर भी प्रेशर लगाना किसका बिहेवियर है, मॉलिक्यूल का। पर जब सारे मॉलिक्यूल मिलकर प्रेशर लगाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल का प्रेशर बोलने के बजाय गैस का प्रेशर बोला जाता है। सबको ये बात क्लियर हो गई? तो जो टोटल प्रेशर कौन लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, उसको आप बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर ले, ताकि मैं लिख पाऊं। हाँ भाई, माशाल्लाह सारे स्टूडेंट आ चुके हैं तकरीबन।
और ये बड़ी इनकरेजिंग साइन है। चलें जी, तो पैरा नंबर 1 और 2 में लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद भी सवाल लेना बिल्कुल अलाउ होगा, जब तक आप सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलें पैरा नंबर 1 लिखे। अच्छा पैरा नंबर 1 लिखवा दिया था, मुझे याद आ रहा है, क्या मैंने पैरा नंबर 1 लिखवा दिया था, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है? हाँ तो पैरा नंबर 1 मैंने लिखवा दिया ना, देखो मेरी याददाश्त कुछ कह रही थी ऐसा। चलें पैरा नंबर 2 लिखते हैं, शाबाश, पैरा नंबर 1 लिख लिया था हमने, पैरा नंबर 2 लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जर्ट प्रेशर, एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जर्ट प्रेशर, एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जर्ट प्रेशर। ड्यू टू कोलिजन्स, मॉलिक्यूल्स कैन एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू कोलिजन्स, फुल स्टॉप। द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस। हाँ भाई, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, फुल स्टॉप। चले अब दोनों पैराग्राफ को रीड करें और हेड एंड डाल दें यूनिट, क्योंकि प्रेशर जो है इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, तो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे इसीलिए इसके यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आप पैरा नंबर 1 को 2 को रीड कर लें, कोई मसला होता है तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें, और अगर ओके है तो हेड एंड डाल दें यूनिट्स, और यूनिट यहाँ लिखी हुई है सामने स्लाइड पर, तो यूनिट्स भी लिखें और सामने उनके कन्वर्जन्स हैं वो भी लिख लें, दोनों चीजें लिखें आप। लास्ट लाइन में रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या लिखवाया, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस, इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गैस। अब सही हो गया है। बुशरा लिख लिया आपने, गुड है। चले सारे लोग अब यूनिट की एडिंग डाल के यूनिट लिखे। अच्छा, इसके 4 यूनिट्स हैं जिसमें से 3 इस्तेमाल होते हैं। पीएसआई जो है वो लिखने की हद तक है, इसके न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल नहीं है। एटमॉस्फेयर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एटीएम है, मिलीमीटर, ये लिख भी देता हूं मैं, बल्कि ये लिखा हुआ है, चले ये देखे, ये लिखा हुआ है एटीएम शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, और मिली, अच्छा ये ऑफिशियल होती है, शॉर्ट फॉर्म जब होगी ऑफिशियल होगी, अगर ऑफिशियल नहीं होगी मैं मना करूंगा लिखने को, ऑफिशियल है ये। अच्छा मिलीमीटर ऑफ मरकरी पढ़ते हैं इसको, इसका शॉर्ट नेम टॉर है, ये भी ऑफिशियल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल पढ़ते हैं आप लोग, उसकी शॉर्ट फॉर्म है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये 101300 है, ये सही कर लीजिए। चले ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली कन्वर्जन में मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी है, एहतियात से लिखिएगा।
वन एटीएम बराबर होता है 760 और 1 ATM बराबर होता है 1013,000 पास्कल और 1 ATM बराबर होता है 14.7 PSI। यूनिट कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, याद करने की चीज है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही याद हो जाएंगे कि हाँ भाई प्रेशर के यूनिट्स हैं, क्योंकि प्रेशर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो कर ले, क्योंकि मैं आपको लॉ नंबर 1 शुरू कराने लगा हूं। चले जी, लॉ नंबर 1 शुरू करेंगे हम। यूनिट सबने लिख ली होगी आई होप। अच्छा, अब देखिए लॉ नंबर 1 की इंपॉर्टेंस ये है कि लॉ नंबर 1 में जो लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा वो शुरू के 3 लॉज में चलेगी। हमेशा मेरा एक जुमला बोलना होता है जिसको लोग समझते हैं कि सर ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं हमेशा के लिए जो मैंने देखा है, कि अगर आप लॉ नंबर 1 का कॉन्सेप्ट समझ लें, लॉ ना लॉ तो समझ नहीं है आपने, लॉ की बात नहीं कर रहा, लॉ का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है वो सही समझ लेंगे, तो आपको लॉ नंबर 2 और 3 में मुझसे कुछ एफर्ट करवानी नहीं पड़ेगी, अपने आप से भी नहीं करवानी पड़ेगी, वो स्मूथली खुद ही निकलेगा। और छोटे छोटे लॉज नहीं है, 4-4 नंबर के लॉज है पेपर के लिहाज से, यानी हल्का टॉपिक नहीं है कि एक लाइन है और आप बोले, ये तो पूरे पूरे लॉज है, 4-4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर से कम में आते नहीं है, तो अच्छी पढ़ाई है। तो लॉ तो बात की बात हम करेंगे, पहले लॉ का बैकग्राउंड आपको गौर से जहन में बैठाना। अब कहानी है फर्स्ट ए टू कि एक कंटेनर में हमारे पास है गैस, वो कंटेनर मैंने ड्राइंग में दिखाया आपको, दिख रहा है कंटेनर में भरी हुई गैस। एक प्रेशर मैंने दिखाया बाहर से जिसको पीई बोला, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक प्रेशर बाहर से दिखाया जिसका नाम रखा है एक्सटर्नल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो मैं और आप लगाएंगे, बाहर वाली हवा लगाएगी, इसको सराउंडिंग कह सकते हैं। और इस प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो आपको ये जहन में बैठा रही है कि ये चाहती है कि पिस्टन, पिस्टन कहते हैं छत को ना, कंटेनर की जो छत होती है उसको पिस्टन बोलते हैं, और ये मूवेबल होता है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर ये चाहता है कि जो पिस्टन है वो नीचे जाए, ठीक है, जहन में रखें, एक्सटर्नल प्रेशर चाहता है कि पिस्टन नीचे जाए, और ये वो प्रेशर है जो बाहर से मैं और आप लगाएंगे, ठीक है भाई।
एक प्रेशर अंदर से दिखाया हुआ जिसको पी आई बोला, ये इंटरनल प्रेशर है। और ये जो इंटरनल प्रेशर है ये वो प्रेशर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था 5 मिनट पहले, ये आ गया। और ये इंटरनल प्रेशर जाहिर सी बात है गैस लगा रही है, नहीं सर? साइट और साइट का तो मैं समझ, तुम्हारा सवाल मेरी समझ में नहीं आया। साइट और क्या मतलब? साइट प्रेशर बस टॉप से लग रहा है और ये पिस्टन को चाह रहा है कि नीचे जाए, कहीं पर भी लगेगा पिस्टन के ऊपर। साइड में तो वॉल्स हैं, कंटेनर की वॉल्स हैं, वो फिक्स है। टॉप पे पिस्टन लगा हुआ, ये मूवेबल है। तो जो ऊपर वाला प्रेशर है वो चाहता है कि पिस्टन नीचे जाए, और गैस जब एक्सपेंड होती है, क्या होती है? एक्सपेंड होती है, फैलती है, डिफ्यूज करती है, प्रेशर लगाती है। तो वो प्रेशर तो वॉल पे भी लगा रही होगी और पिस्टन पे भी लगा रही होगी, पर वॉल फिक्स है उसकी हम बात नहीं कर रहे। पिस्टन मूवेबल है, लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि गैस चाहती है कि वो एक्सपेंड होके पिस्टन को ऊपर धक्का दे। तो डायग्राम कह रही है कि एक लड़ाई चल रही है, एक्सटर्नल प्रेशर मैं लगा रहा हूँ, आप लगा रहे हैं, जो चाहता है कि पिस्टन नीचे जाए, इंटरनल प्रेशर गैस लगाती है, जो चाहता है कि पिस्टन ऊपर जाए। एक लड़ाई है इन दोनों की, जो जीतेगा वो पिस्टन को मूव करवाएगा। आखिरी बात जो आपको डायग्राम में जहन में रखनी है वो यह है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो डिपेंड करता है गैस के मास पे और गैस के टेम्परेचर, ठीक है भाई? इंटरनल प्रेशर डिपेंड करता है गैस के मास पे और गैस के टेम्परेचर। यानी अगर किताब कहती है कि आपने मास बढ़ाया तो आप समझ जाएं कि इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। जो बुक है वो इंटरनल प्रेशर का नाम नहीं लेती है, ये मैंने आपको जहन में बैठाना है। किताब एक्सटर्नल प्रेशर का नाम नहीं लेती है। अगर किताब बोलेगी कि मास बढ़ रहा है तो आप समझ जाएं कि इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। अगर किताब कहती है टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप समझ जाएं कि इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या आपको इस डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई हैं? मुझे ओके दें। एक प्रेशर बाहर से लग रहा है जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो चाहता है कि पिस्टन नीचे आए। एक प्रेशर इंटरनल प्रेशर है जो गैस लगाती है, जो चाहता है पिस्टन ऊपर जाए। जो डोमिनेट करेगा वो पिस्टन को ट्रेवल कराएगा। इंटरनल प्रेशर डिपेंड करता है गैस के मास पे और गैस के टेम्परेचर। पूरी क्लास को यह बात क्लियर हो गई? वेरी नाइस। अब लॉ शुरू करते हैं। देखिए मैंने अभी लॉ शुरू नहीं किया था, ये जो मैंने कहानी सुनाई है तीनों लॉस की स्टार्टिंग है, तीनों लॉस का स्टार्ट यहीं से। अब प्रॉपरली लॉ शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बॉयज लॉ के लिए लाइन नंबर 2 पढ़े आप, लाइन नंबर 1 नहीं पढ़े, लाइन नंबर 2 पढ़े। तो लाइन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि बॉयज लॉ की शर्त ये है कि एक मास और टेम्परेचर ऑफ गैस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट हो गया। इंटरनल प्रेशर डिपेंड कर रहा था दो चीजों पे, मास पे और टेम्परेचर पे। तो क्योंकि मास और टेम्परेचर दोनों को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, लिहाजा इनडायरेक्टली इंटरनल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपके जहन में रहना चाहिए कि इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है।
अब लॉ क्या कहता है, जरा अगले पेज पे चलते हैं। अभी स्टेटमेंट की हेडिंग को इग्नोर करें, इत्मीनान से एक एक करके बात समझे। ये जहन में बैठ गया कि इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट है। अब टॉपिक बोलता है कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया, अब डायग्राम दोबारा देखकर आप फैसला करें पूरी क्लास कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, फिलहाल पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है फिलहाल का मतलब लॉ शुरू करने से पहले, ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना पिस्टन नीचे जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर बराबर। अब टॉपिक बोलता है कि आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाओ, तो एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो इंटरनल प्रेशर से ग्रेटर हो जाएगा या नहीं, दोनों बराबर थे पहले। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया तो एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर हो गया इंटरनल से, और जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से ग्रेटर हो जाएगा तो पिस्टन कहाँ आएगा। आप सोचो, मैंने आपके जहन में बात बिठा दी थी पहले ही कि एक्सटर्नल प्रेशर की ख्वाहिश क्या है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा इंटरनल प्रेशर से तो पिस्टन आएगा डाउनवर्ड, ये लिखा लाइन नंबर वन, आप गौर से देखें। और जब पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो कौन उसको रोकना चाहेगा, इंटरनल प्रेशर, लेकिन वो नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये तारीखी जुमला है, आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया वो ग्रेटर हो गया, पिस्टन नीचे आ रहा है, उसको इंटरनल प्रेशर रोकना चाह रहा है पर वो नहीं रोक सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है। नतीजे में पिस्टन आ जाएगा डाउनवर्ड, और जब पिस्टन डाउनवर्ड हो जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम है, जगह घेरना है, वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। यानी कि हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन नीचे आया, वॉल्यूम कम हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि हमने प्रेशर बढ़ाया, कौन सा वाला, एक्सटर्नल, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस इसको बोलती है कि एक चीज आप बढ़ाएं और दूसरी चीज कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको बिल्कुल खोल खोल के बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर बिल्कुल। तो गैस के वॉल्यूम में और एक्सटर्नल प्रेशर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यानी एक चीज आप बढ़ाओगे दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज कम करोगे दूसरी चीज बढ़ जाएगी। कितने लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाने के बजाय कम कर दें तो क्या होगा, कितने लोगों के जहन में ये बात आ रही है, जरा सोचें, आगे सोचें। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाने के बजाय कम कर दें, जिनके जहन में नहीं आ रही बहुत बुरी बात है, आनी चाहिए। जब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो इंटरनल ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि पहले दोनों बराबर थे। आपने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया, मिसाल के तौर पे पहले दोनों 10-10 थे, आपने इंटरनल प्रेशर को कम, सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके 5 कर दिया, इंटरनल अभी भी 10 है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अब ग्रेटर कौन हो जाएगा, इंटरनल। और जब इंटरनल ग्रेटर हो जाएगा तो पिस्टन चला जाएगा ऊपर, जैसे बहुत से लोग लिख रहे हैं यहां पर, वेरी नाइस। और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कोई आपसे पूछे आप उसको पूरी बात बताओ, तब पता चलेगा आप समझ के जा रहे हो। आप उसको बताओ कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे वो ग्रेटर हो जाएगा, प्रेशर नीचे चला जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो इंटरनल प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, प्रेशर ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जब कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये लाइन नंबर 2 जो है ये स्टेटमेंट है। हाँ भाई, लाइन नंबर 2 पढ़ेंगे सब, क्या लिखा हुआ है इसमें, कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसका अप्लाइड प्रेशर का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसका एक्सटर्नल प्रेशर से कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन।
और शर्त नीचे लिखी हुई, आई होप कि आप सबको याद होगा, शर्त जरूरी है। शर्त क्या है कि मास और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये मैंने शुरू में बता दिया था। सबको ये बात क्लियर हो गई कि हमने क्या बढ़ाया, प्रेशर एक्सटर्नल तो वॉल्यूम कम हो गया, हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, रिलेशन कैसा इनवर्स है, और टेम्परेचर और मास क्या है, कॉन्स्टेंट। चले सबसे पहली हेडिंग डाले इंट्रोडक्शन, शाबाश। सबसे पहली हेडिंग डालेगी इंट्रोडक्शन, दिस लॉ वॉज गिवन बाय, दिस लॉ वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, दिस लॉ वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, इन 1660। चैट बॉक्स देखते रहिएगा, रॉबर्ट बॉयल इन 1660 to discuss the relation between, to discuss the relation between volume of gas, to discuss the relation between volume of gas, to discuss the relation between volume of gas, हाँ भाई volume of gas एंड एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए एडिंग डाल दें स्टेटमेंट, चले स्टेटमेंट लिखे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बहुत आराम आराम से लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है घर पे बैठे हुए तो थोड़ा सा सुनने में आगे पीछे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, उसके बाद अगली लाइन में आ जाएंगे इन्वर्टेड कॉमाज में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ नेक्स्ट लाइन इन्वर्टेड कॉमाज, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इट्स वॉल्यूम इज, फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, टू द अप्लाइड प्रेशर,
हाँ भाई, टू दी अप्लाइड प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टू दी अप्लाइड प्रेशर कीपिंग के डबल ई पी आई एन जी कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। चलें भाई, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अटेंड डाल लें। किसी को यहां तक कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है लॉ? समझ में आ रहा है लिखने का तरीका? ये वो सारी चीजें? हेजिटेट नहीं करना है, मसला होना है फौरन पूछना है। एंजॉय करें पढ़ाई को, मसला हो पूछें। अच्छा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा पहले ना आप सिंबल्स बताते हैं। सिंबल्स बताने का मतलब है कि वॉल्यूम का सिंबल क्या है, प्रेशर का सिंबल, डायरेक्ट नहीं शुरू करते ये। हालांकि दुनिया को पता है कि वॉल्यूम भी होता है, पर काम करने का एक तरीका है, नंबर लेने का एक तरीका है। तो पहले वर्डिंग आएगी, फिर कॉपी करेंगे। पहले मैं लिखना सिखा देता हूँ, जिनको भूल गया। मैट्रिक में आपने पढ़ा था, 2 4 5 महीने हो गए, बाज लोगों को भूल जाता है। तो देखो, वी जो है ये वॉल्यूम है, बीच में जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने यकीनन जहन में आ गया होगा ये। अगर रिलेशन डायरेक्ट होता तो मैं यहाँ पे 1/p लिखने के बजाय p लिखता। ये भी सीख लें आप, डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जिसमें एक चीज बढ़ती है, बढ़ाते हैं दूसरी चीज भी बढ़ती है ना भाई? जब एक चीज आप बढ़ाते हो और एक चीज खुद से बढ़ती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता तो इस तरह लिखते जैसे मैंने अभी लिख दिया, पर क्योंकि रिलेशन इनवर्स है लिहाजा इसको अपॉन में लिखेंगे। अच्छा, रिलेशन दो ही होते हैं, 15 तो होते ही नहीं है, क्या आप कंफ्यूज हो कि अगली दफा पता नहीं क्या बोल देंगे सर? भाई दो ही होते हैं, डायरेक्ट होगा तो अपॉन में नहीं लिखना है और इन्वर्स होगा तो अपॉन में लिखना है, इतनी सी बात है। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेशन इन्वर्स है तो अपॉन में आ गया। फिर ये जो साइन आपको दिख रहा है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको जादू। तो ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको दिख रहा है, जब ये हटता है तो इसकी जगह पे आता है इक्वल और कांस्टेंट, ये रूल है। जब भी ये साइन हटेगा तो इसकी जगह पे आएगा इक्वल का साइन और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा यकीनन। और कांस्टेंट का फैसला करता है साइंटिस्ट, जो सिंबल साइंटिस्ट बताते हैं हम पाबंद है वो लिखने के। तो बॉयज लोग कह रहा है कि कांस्टेंट के होगा तो हमने के लिख दिया, तो वी इक्वल टू के आ गया। 1/p अपनी जगह वैसे चले चले जा रहा है जैसे है। अब आखिरी स्टेप में क्या करेंगे कि जो p है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया p v इक्वल टू k। तो वी और पी में इनवर्स रिलेशन है, सॉल्व किया, इक्वल आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के डाल दिया, पी को दूसरी तरफ ले गए तो पी वी बराबर हो गया के। अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये ब्रैकेट खुद से समझ में आ रही है मेरे बताए बगैर? हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू जिनको ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये मेरे बताए बगैर समझ में आ रहा है? भाई पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन ये कौन से लॉ के लिहाज से है? बॉयज लॉ के लिहाज। हमेशा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बॉयज लॉ के लिहाज से बात हो रही है। नहीं मरियम, तुम्हारा कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है। अच्छा है कि तुमने ये बात लिख दी, किसी और का भी मरियम वाला कॉन्सेप्ट है तो वो सही कर ले। पी और बी कॉन्स्टेंट नहीं है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है। दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे 8 2 16 होता है, 4 4 भी 16 होता है, 16 into 1 भी 16 होता है।
अब बात समझ में आ रही है? 4 × 4 करोगे तब भी 16 जवाब आएगा, 8 × 2 करोगे तब भी 16 जवाब आएगा। 16 जवाब जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, 4 × 4 भी हो सकता है, 8 × 2 भी हो सकता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम खुद कांस्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ाया मैंने। प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। मरियम आपको ये बात अब क्लियर हो गई? तो सबको मैथमेटिकल फॉर्म बनाने। अच्छा मेरी नियत क्या, देखें मेरी नियत ये रहती है, ऐसी बातें मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी नियत ये रहती है कि बॉयज लॉ इस तरह से आप पढ़े और मैं पढ़ाऊँ कि चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ में आप खुद ही इनिशिएट करें, खुद ही लिखना शुरू हो जाए, खुद ही लिखें आप घर पे बैठ कर। भले मैं लिखवाऊंगा लेकिन आपको जरूरत ही ना हो कि सर अब ये लिखवाएंगे, अब ये बोलेंगे, ऐसा होगा। अगर ये पर्पस पूरा हो गया तो समझो आप जबरदस्त चल रहे हैं। अगर आपको चार्ल्स लॉ में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितनी आपको बॉयज लॉ में करनी पड़ी है तो फिर मजा नहीं है। ठीक है भाई, चले तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में वर्डिंग लिखे, शाबाश लिखे। हेडिंग है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसमें आप लिख रहे हैं वर्डिंग, फिर ये कॉपी करेंगे आप। कंसीडर अ गैस, कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर, कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन, कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन, विथ मूवेबल पिस्टन। जरा हेडिंग ये है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लाइड देखें, स्टेटमेंट के बाद अगली हेडिंग मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं उसको। मिल गई होगी ना आप? तो कंसीडर अ गैस प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन, क्लोज कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन हैविंग वॉल्यूम वी। सारे सिंबल कॉमा में आएंगे जैसे मैं लिखता हूं, जैसे लिख के बताता हूं मैं आपको ऐसे। ठीक है भाई, हैविंग वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी नंबर ऑफ मोल्स एन, एन स्मॉल में आएगा, टी कैपिटल में आएगा। ठीक है भाई, हैविंग वॉल्यूम वी टेम्परेचर टी नंबर ऑफ मोल्स एन नंबर ऑफ मोल्स एन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी। अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी। चले अब आप ये कॉपी कर सकते हैं, शाबाश। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लें। अब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कॉपी कर लें आप पूरा, शाबाश। किसी को यहां तक कोई परेशानी है? दो हेडिंग अभी और है, नहीं तीन हेडिंग अभी और है, दो बोल लो, तीन हेडिंग हेडिंग अभी और है, तीन हो गई है, तीन और है, तब जाके चार नंबर मिलेंगे आप।
जी, ये भी लिखना है बिल्कुल। जी ऐसा, ये भी लिखना है, ये लिखा हुआ ना। अच्छा आप पूछ लो कैसे है, तो ये देखें आप, ये हाईलाइट किया है मैंने, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब जरा गौर से देखें, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैस कहती है जहां कुछ भी नहीं होता वह मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं। तो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू के, क्या चीज है, कॉन्स्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ये बोला। क्या आपको ऐसा क्लियर हुई है बात? ठीक है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट है, गुड है। चले जी, अब एटेंड डालें एक्सप्लेनेशन वाली, ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये स्लाइड में एडिंग नहीं है, अलग से एडिंग डालनी है आप, एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये आ गई। ये जो वन करके मैंने बॉयज लॉ लिखा, ये नहीं लिखना आपने, बस आपने एडेंड डालनी है एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। चले भाई, अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लिखा हुआ, जो ये जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर वन और टू, ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये बॉयज लॉ है। जी, बॉयज लॉ की हेडिंग नंबर चार है ये, बिल्कुल बॉयज लॉ चल रहा है, तीन हेडिंग हो गई है, चौथी है एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आयशा क्लियर हो गई आपको बात? आयशा खुर्रम, जब बॉयज लॉ खत्म हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको डंके की चोट पे बताऊंगा कि ये खत्म हो गया। जब तक समझ जाएंगे बॉयज लॉ चल रहा है और उसकी हेडिंग है, छह हेडिंग्स बताई मैंने आपको जिसमें से चौथी हेडिंग है। चलो अब जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है बॉयज लॉ, क्योंकि आप लोग रेगुलर हैं, कल सब पढ़ाया है, आपके जहन में सब होना चाहिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलता है कि मॉलिक्यूल गैस बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल में होते हैं लार्ज स्पेस, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन के नीचे आने से मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, और करीब इस वजह से आते हैं क्योंकि स्पेस अवेलेबल है, कल भी ये बात हुई थी कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते वक्त कि स्पेस नहीं होंगे तो करीब भी नहीं आएंगे, भाई कभी स्पेस है तो करीब आ रहे, तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन नीचे आया, मॉलिक्यूल करीब आना शुरू हो गए, और जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया तो क्या होगा, इंक्रीज वाला तो लिख दिया मैंने, हाँ भाई प्रेशर को आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को जब आप डिक्रीज करोगे एक्सटर्नल वाले को, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है भाई, पिस्टन मूव अपवर्ड, पिस्टन ऊपर जाएगा तो जो स्पेसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे, और जब स्पेसेस और बढ़ जाएंगे, हाँ भाई फर्स्ट ए टू स्पेसेस और बढ़ जाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। दोनों लाइनों को अच्छी तरह जब पढ़े,
बताना आना चाहिए, मेरी नियत है बताना, कोई पूछे आपको बताना है कि सबने ऐसे पढ़ाया, प्रेशर बढ़ाएंगे पिस्टन नीचे आएगा, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पिस्टन नीचे आएगा, मॉलिक्यूल करीब हो जाएंगे क्योंकि स्पेसेस अवेलेबल है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे पिस्टन ऊपर जाएगा, मॉलिक्यूल को और जगह मिलेगी, और जगह मिलेगी, स्पेसेस और बढ़ जाएंगे, स्पेसेस और बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। क्या क्लियर हो गया सबको? चले आज के लेक्चर की आखिरी हेडिंग है, लेक्चर इसी पे एंड होगा, कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, वर्डिंग लिख लें फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। एक बंदा भी ऐसा नहीं चाहिए जिसको कंफ्यूजन हो। चल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। Hence, when we increase external pressure, when we increase external pressure, piston moves downward, MOVES, piston moves downward, piston moves downward, piston moves downward, comma, molecules become closer. हाँ भाई, मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजर टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजर टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस, टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, कितने लोगों को यह वाइस वर्सा का मतलब पता है? हाँ भाई, वाइस वर्सा का मतलब कितने लोगों को पता है? जैसे मैं बोलूं ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, तो इसका उल्टा जुमला क्या होगा? कम मेहनत करोगे तो कम नंबर आएंगे। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे एंड वाइस वर्सा, वो बड़े बड़े अंग्रेज पढ़े भैया, तो वेरी नाइस। मजीद इंग्लिश मत लिखिएगा, मुझे एहसास कमतरी शुरू हो जाएगी। तो इन लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया माशाल्लाह, ठीक है, अपोजिट सिचुएशन उसका उल्टा कह लें, अदर वे अराउंड, वेरी नाइस, ठीक बात है। तो ये बिल्कुल रिवर्स है, तो जहां पर भी केमिस्ट्री में बिल्कुल रिवर्स होता है ना, वहां तीन तीन लाइनें लिखने से अच्छा हम ये वर्ड लिखते हैं, ये ऑफिशियल है, अदरवाइज दोबारा से लिखना पड़ता पैरा नंबर टू में कि प्रेशर डिक्रीज किया, पिस्टन ऊपर आया, स्पेसेस बढ़ गए, वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने ये वाइस वर्सा लिख दिया, तो हम दो या तीन लाइनें लिखने से बच गए, उसका जो इम्पैक्ट है वो भी वही रहा। तो ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है।
आयशा ने भी ठीक बात की है, कोई इसको पॉलिटिकल ना ले, इन्होंने जनरल बात की है। चलो भाई, तो बॉयज लॉ की चार हेडिंग में आपको अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दें, कल इंशाल्लाह लॉ को खत्म करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेटर लेके बैठना है कल, पहली दफा न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो कल कैलकुलेटर लेकर बैठना है आपने इंशाल्लाह, कल न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी मसला है तो बताएं। सब कुछ समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? परेशानी कोई? ओवरऑल पढ़ाई सही चल रही है? कोई आपको ओवरऑल इशू है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं मुझसे? हाँ ज़रा, अच्छी बात है, ज़रा ने अच्छी बात की है कि कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप बताएं। वेरी नाइस, सही बात है बिल्कुल। चले ठीक है, तो कल इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। प्रॉब्लम कोई नहीं है, सबने ओके दे दिया, वेरी नाइस। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो हेडिंग नंबर 4 एंड नहीं 5 एंड 6 करेंगे और नुमैकल करेंगे। तो कल तक के लिए सबको अपनी दुआ में आपने याद रखना है, और बारिश को के लिए दुआ करनी कि कंट्रोल में रहे, वैसे बहुत परेशानी हो गई। तो अल्लाह सबके लिए बेहतरी करे। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।